हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश देते हुए नागपुर स्थित चंदन नगर में पिछले कई वर्षों से हिंदू मुस्लिम एकता लंगर कमेटी की ओर से बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अली के 26वीं एवं उसके मौके पर लंगर का आयोजन किया जाता है। इसी प्रकार इस साल भी बड़ी मात्रा में लंगर का आयोजन किया गया था। विश्व विख्यात बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अली जिनके इतिहास पर नजर डालें तो सबसे पहले रहमत राजे रघुजी भोसले पर हुई थी, जहां से बढ़ता मजमा आज हिंदू मुस्लिम एकता का संदेश देते हुए बाबा की रहमत से आज भी भव्य कार्यक्रमों का आयोजन करता है। उसी श्रृंखला में हिंदू मुस्लिम एकता लंगर कमेटी की ओर से नागपुर स्थित चंदन नगर संभाग में भव्य लंगर का आयोजन किया गया था। इस समय हिंदू तथा मुस्लिम दोनों समुदाय के लोगों ने इस आयोजन में शिरकत की है। साथ ही साथ विशेष रूप से बताया जाए तो इस कमेटी में हिंदू तथा मुस्लिम दोनों का समावेश है। देश में चल रहे हिंदू मुस्लिम के विवाद में नागपुर स्थित चंदन नगर में आयोजित यह कार्यक्रम कहीं न कहीं इस विवाद से परे मोहब्बत का संदेश देता है। सबसे पहले तो हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी जो है सब लोगों को, हमारे यहाँ जो लोग रहते हैं उनको जोड़ने का काम करती है, और जोड़ के जो इस प्रोग्राम में लंगर, जैसा आपने लंगर का प्रोग्राम देखा, इसका चालू करने का मेन कारण हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी का ही था कि जितने भी आज आप देख रहे होंगे देश में क्या चल रहा है, उस देश के हिसाब से एक साथ सब लोग एक साथ आए, सबका खून एक जैसा है, सब खाना एक जैसा खाते हैं, तो हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी का मेन कारण है कि सब लोग एक साथ जुड़े और एक मेक से प्रेम बना के चलते रहे। हिंदू मुस्लिम ही जुड़े हैं। सबसे पहली बात तो जो इसकी जो राय रखी, जिसने जो चालू किया, ऐसे हमारे छोटू भाई शेख, इन्होंने 2016 में जब मैं इस एरिया का नगर सेवक था तब इन्होंने मुझे बताया, ऐसा अच्छा सजेशन है मेरा, तो मैंने बोला बहुत अच्छा सजेशन, और सबसे बड़ी बात छोटू भाई शेख ने इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया और ये कंटिन्यू पिछले 2016 से आज तक कंटिन्यू चालू है। ये हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी, जैसा भी आपने थोड़ी देर पहले पूछा कि इसमें मुस्लिम भी जुड़े हैं क्या, इसमें 40% मुस्लिम है और 60% हिंदू है। हमने इस प्रोग्राम को एक हज़रत बाबा ताजुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह ताजाबाग शरीफ की जो 26वीं होती है हर महीने की, और हर साल बड़ा ही प्रोग्राम होता है जिसे सालाना उर्स कहते हैं, उस प्रोग्राम को देखते हुए बाबा जान का जो मामला था कि रघुजी राजा साहब के यहाँ हुजूर सरकार ताजुल औलिया रुके, वहाँ से मामला बढ़ा और आज तक सरकार ताजुल औलिया का मामला हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी का, हमने उसको आगे बढ़ाया। सरकार की निस्बत रही, सरकार की मोहब्बत रही, सरकार की इबादत रही, और अभी आपने पूछा कि इसका इंतज़ाम कैसा करते, ये इंतज़ाम हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी में जो मेंबर्स है, जो लोग बड़े और हमारे दुकानदार संगठना जो है वो इसमें शामिल है। इस वजह से इस कार्यक्रम को हमारे दुकानदार संगठना की जानिब से ये कार्यक्रम भूखे को खाना पैसे को पानी ये देने का हमने उद्देश्य चालू किया, जिसके अंदर हमारे गुड्डू जी, योगेश जी तिवारी और हमारे कुंभाड़े मैडम, हमारे दुकानदारों से हकीम हार्डवेयर संगम वाले, रूपम इलेक्ट्रॉनिक्स, ऐसे तमाम हमारे साथ जुड़े हुए थे, जो आज तक हम 7 साल तक इस कार्यक्रम को यहाँ तक लाया, और इस कार्यक्रम को हम जिंदगी में जब तक जिंदे हैं इंशाअल्लाह ताला ये कार्यक्रम अब काय कायमत तक चलाने की हमारी पूरी कमेटी की मान है, मर्यादा है और इच्छा है कि हम लोग इस कार्यक्रम को, शायद मेरे साथ जो जुड़े हैं हमारे इरफान भाई, जावेद भाई, इकबाल भाई, हुसैन भाई, हमारे जैनुद्दीन भाई, तमाम हम लोग जो जुड़े हुए हैं, इस मसले को हम आखिरी मरते दम तक लेके चलेंगे, और हिंदू मुस्लिम एकता कमेटी का हम एक बोलबाला रखेंगे, एक अच्छा ही रखेंगे, एक सच्चा रखेंगे, और इस कार्यक्रम को हम राजनीतिक नहीं होने देंगे। ये हमारे दिलों की एक अच्छी इच्छा हमने आपको बताया, और इसी तरीके से आप लोग ने इंटरव्यू लिया, आप लोगों का भी पूरे मीडिया का हमारा आप लोगों का शुक्र अदा करते हैं। इसी तरीके से चंदन नगर के वासियों में हमारे गुड्डू जी तिवारी हमें हर महीने सपोर्ट करते हैं, इसी तरीके से कार्यक्रम को अंजाम देते हैं। हम भी यहाँ करीबन 45 साल से मैं यहाँ पे रहवासी हूँ, यहाँ पे चंदन नगर सुधार समिति का मैं अध्यक्ष भी रह चुका हूँ यहाँ पे, और बहुत अच्छा लगा। हमारे बच्चे जो काम करते हैं आज हमारे छोटू भाई जो काम करते हैं और बहुत ही अच्छा करते हैं, और सब मिल के काम करते हैं हम लोग जो यहाँ पे हैं, आज हमारा पूरी यहाँ कमेटी जो है सब मिलके, और यहाँ हिंदू मुस्लिम एकता, हिंदू भी आते मुस्लिम भी, सब पूरे आज जितने भी समाज है सब आके एक साथ में यहाँ खाना खाते हैं, बहुत अच्छा लगता है। और जो अंदर से दुआएं निकलती हैं वो ऐसा लगता है कि ये हम तो महीने में एक बार करते 26 को, कभी कभी ऐसा लगता है कि हमने रोज़ करना चाहिए, ये चीज़ हमने रोज़ करना चाहिए, और रोज़ इसके दुआएँ लेना चाहिए हर गरीब की, और इसके आगे भी हमसे जो होंगे हम करेंगे, और बहुत अच्छा लगता है सर। कैमरा पर्सन अजीत कुवर के साथ मनीष टेमरे की रिपोर्ट।